YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रश्मि साक्या, तो दोस्तों आज क्या मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि खाने में क्या बनने वाला है। हम देखो नहा धो के हो गए हैं रेडी और अब हम खाना बनाने जा रहे हैं। तो टाइम तो कुछ ज़्यादा 11 बजने वाले हैं लगभग, तो थोड़ा लेट हो गया काम करते करते। चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज आपको क्या बनाने वाली हूँ मैं। देखिए ये देखिए, आधे किलो सूजी, और सूजी का क्या बनेगा? इडली। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं इसमें कुछ है तो नहीं। सूजी छान के देख लेते हैं पहले। ये हमने बड़ा सा बर्तन दिया, इसमें छलनी रख ली और इसमें हम देख लेते हैं पहले। चलिए साफ है, कुछ भी नहीं है वैसे तो। अब इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और थोड़ा सा हल्का स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक इनो डालेंगे इडली बनाने के लिए। ये देखिए ये ताज़ा दही है, घर में जमाया हुआ है हमने। और थोड़ा सा हम इसमें से पैकेट वाला भी डाल देते हैं, इसमें खट्टा बन रहेगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से फैट मिला देंगे, पहले दही को मिला देंगे पहले। थोड़ा सा नमक डालते हैं, देखिए स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे पानी, इसके लिए हम पानी मिला के छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। अब इसको हम छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। देखिए ये देखिए, इसमें अच्छे से फेंटेंगे इसको, इतना गाढ़ा होना चाहिए। और इसको हम छोड़ देंगे आधा एक घंटे के लिए, लगभग 2 घंटे के लिए। तब तक हमारा सांभर बनके रेडी हो जाएगा। चलिए इसको ढक के ढक के ऐसे करके फिर हमारा ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के बाद देखा फूल जाएगी सूजी, उसके बाद बनेगा। तब तक हम कर लेंगे सांभर तैयार। देखिए सांभर के लिए हमने ये 1/2 किलो कद्दू लिया है और छोटा सा घिया लिया है और एक छोटा सा ही बैंगन लिया है। इसके लिए हमारी ये 3 सब्ज़ी ज़रूरी होती है, बाकी आप सब्ज़ी में बहुत सारी सब्ज़ियाँ जिसमें हमें होती है वो डाल सकते हैं। एक छोटा शिमला मिर्ची भी डाल देते हैं और हमारे पास थोड़े से ककड़ौंदा पड़े हैं, तो ये देखिए इनको भी डाल देंगे हम। ककड़ौंदा हरे वाले हैं, इनको भी थोड़ा डाल देंगे और इनको हम पहले वॉश कर लेते हैं। उसके बाद एक फली आती है, सहजन की फली आती है, वो डाल सकते हैं इसमें। सब्जी हरी सब्जी जितनी होती हैं सांभर में जो आपके घर में अवेलेबल है उसको आप डाल के बनाइए। अगर नहीं है तो आप इन 3 सब्जियों को लेकर ही आप बना सकते हैं सांभर। चलिए दिखाते हैं कैसे बन रहा है सांभर हमारा। तो आप देख सकते हैं ये है कद्दू, हम पहले बारीक बारीक काट लेंगे सारी सब्जियाँ, बहुत ही बारीक बारीक काटनी है। और इसको कुकर में डाल के उबाल देंगे, उसमें नमक डालना है। अभी दिखाएंगे आपको सारा कुछ, पहले हम सब्ज़ियाँ आप काट रख लेते हैं, सारी सब्ज़ियाँ डालेंगे इसमें। पहले हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं अच्छे से। सब्जी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगी।
ना कट गई थी क्या अभी हाथ में, पता नहीं चला। ये ककरौंदा है देखिए, हम तो ककरौंदा बोलते हैं भैया, आप क्या बोलते हैं इसको। हम इसको थोड़ा सा डाल देते हैं, हालांकि खट्टा होने हैं, खट्टे में सब्जी गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा ही डालेंगे, बाद में डालेंगे ऊपर से। चलिए मैं दिखाती हूँ अब इसको क्या करना है। इसको कुकर में डालना है, डाल के अरहर की दाल नमक डाल के उबालना है। ये देखिए आप कुकर में डाल देते हैं, इसमें भर के रख देंगे पानी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें नमक नमक और हल्दी और इसमें अरहर की दाल डाल करके इसको उबालने रख देंगे। ये उबल के ऐसा इस तरह से सब्जी देखिए पूरी घुट गई है पूरी अच्छी से। और इसके बाद ये थोड़ा सा इमली इसमें हमने गर्म पानी में रख दिया था, थोड़ा गल गया, उसके बाद अच्छे से निकाल के इसका रस और इमली का हम इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें डालने के बाद और इसमें हम डालेंगे ये सांभर मसाला। देखिए ये सांभर मसाला पड़ेगा, पहले थोड़ा सा इमली डाल देते हैं, स्वाद अनुसार खट्टापन थोड़ा अच्छा रहता है, जैसा आप खट्टा पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालिए। के बाद डाल देते हैं हम सांभर मसाला। जैसे कम खाओ तो थोड़ा कम डालो, लेकिन चार पैकेट लाते हैं लेकिन तीन पैकेट लाए हैं, ताकि ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। तो इसमें ठीक है ये, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तेल में भून कर भी डाल सकते हैं मसाले को। अच्छे से मिक्स कर दिए, इसके बाद लगाएंगे राई का तड़का। देखिए मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा कड़ी पत्ता लेके आती हूँ। और देखिए मैं छत पे आ गई हूँ, दम फूल गई मेरी तो। कड़ी पत्ता देखती हूँ किधर है, इधर में कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का पौधा देखती हूँ इसमें है, थोड़े पत्ते ठीक नहीं, उधर देखती हूँ। ये देखिए कड़ी पत्ते का पौधा, देखिए ये रहा, और इसके बाद एक ये रहा कड़ी पत्ता ले लेती मैं इसमें तड़का लगाने के लिए, बहुत अच्छा रहता है सांभर में। थोड़ा सा इसमें से तोड़ लिया, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, छोटा ही पौधा है, तो थोड़ा सा हम ये रहा। देखने को आपको नीम के जैसा लग रहा होगा ये, लेकिन ये कड़ी पत्ता है, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम इसमें अब ये देखिए हमने ले लिए कड़ी पत्ते, अब इससे हम तड़का लगाएंगे जा कर के। चलो नीचे जाते हैं जल्दी जल्दी, तेल गर्म होने रखे आई हूँ मैं, और अभी मैं जा रही हूँ। ओके, आपको चाहिए तो कड़ी पत्ता ले जाना भैया। चलिए मैं जाती हूँ। मिर्ची राई और कड़ी पत्ता, पहले मिर्ची डालेंगे, पूरा अच्छे से तल जाएगा।
इडली की तैयारी करते हैं। और इडली की तैयारी करने के लिए ये देखिए कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है, और पानी के बाद इसमें ये देखते हैं कि इसमें थाली में पानी नीचे ही रहे, ऊपर ना आ पाए, इसके तरे पर ही रहे, ज़्यादा नहीं ऊपर आए। और उसके बाद अभी नाप के इसको निकाल लेते हैं, पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और तब तक ये जो पेस्ट हमने जो बनाया है, ये पेस्ट अच्छे से इसमें थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा डाल के फिर इसमें डाल देंगे हम थाली में। इसमें डालने के लिए हमको चाहिए 1 किलो जो परचून की दुकान से आराम से मिल जाता है, राशन की दुकान से, और इसको पीने से पेट भी ठीक रहता है, तो उसको हम फाड़ के इसमें एक्स मिलाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हम ऐड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से थोड़ा लिक्विड बन जाए, थोड़ा सा और पतला हो जाए, क्योंकि ये गाढ़ा था, हमने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो इसकी सूजी फूल चुकी है अब अच्छे से। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी में हम मिला देंगे हीनो, देखिए अब इसमें हम हीनो डाल देते हैं, और इसमें हम पूरा का पूरा हीनो डाल देंगे। इनू डाल के बहुत जल्दी से मिक्स करके ज़्यादा देर नहीं लगानी है, और इसमें हम अप्लाई करके डालते रहे हैं। ये देखिए सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया, और ये देखिए थाली में पूरा आ भी गया। और इसके बाद ये अच्छे से बाद में हम साफ करेंगे, पहले हम कढ़ाई में डाल रख देते हैं इसको, थोड़ा गर्मा हटा दें। देखिए हमने कढ़ाई में रख दिया है, रख दिया इसमें सूजी, रख दिया, ढक दिया अंदर से पानी में, और गैस को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं रखेंगे। और इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद देखेंगे कितना इसका टेस्ट ऊपर आया है कि नहीं आया है, और उसको चाकू से लगा के देखेंगे कि पका है कि नहीं, फिर अभी हम दिखाते हैं आपको। अब ये इडली हो गई इससे सिंपल तरीके से इसे तैयार, और इसमें देखते हैं अभी पकी है कि नहीं। चलो इधर से पक गई है, अगर इसमें चाकू में अगर आ जाता है इसका पेस्ट तो मानो कि अभी पकी नहीं है, मतलब इसमें नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि कहीं से कच्ची ना रह जाए। 5 मिनट के लिए और रख देते हैं। ये देखिए फॉल से निकाल के हमने, और हल्का सा इसमें पानी आ गया है, तो ये अच्छे से पक गया है। थोड़ी देर ना इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए ठंडा हो गया, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम इसको करते हैं कटिंग, ठंडा हो गया है, और देखते हैं इसका कैसा निकल के आता है। बहुत ही अच्छा फूल है इसमें, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए हो गया बन के रेडी, कैसा लग रहा है। ये सिंपल तरीका घर में आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन गया है, कितना सिंपल तरीका। हालांकि इसके सांचे भी होते हैं, और इसका स्टैंड भी आता है, उसके हिसाब से हमने एकदम आसानी से घर में बहुत ही सिंपल तरीके से बना के ये तैयार हो चुका है हमारा, और ये देखिए कितना अच्छा है। ओके हमारा वीडियो होता है समाप्त, थैंक यू। ये इडली हमारी बनके तो रेडी हो ही गया पूरी मेहनत के बाद, अब इसका नतीजा देखते हैं कैसा बना है। देखिए इसको पहले खा के देखते हैं कैसा है, आपको ही बताएंगे। वाह मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी बनाया।
और इसमें टुकड़े करके डाल के भी खाते हैं। क्या कहने, टेस्ट बदल गया भैया खा के। आप भी ट्राई करो अपने घर में सिंपल तरीका और बनाओ जल्दी जल्दी। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।